काशीवासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहां की परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज यहां आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। मेरे गरीब बुनकर भाई हो, काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने, और मेरा ये सौभाग्य रहा, मेरा जन्म वडनगर में हुआ। मुझे प्रारंभिक जीवन में कार्य करने का अवसर वडोदरा में मिला, और आज माँ की गोद में वाराणसी में वापस आया हूं। मैं जिस गांव में जन्मा वडनगर, वो भी शिव का बहुत बड़ा तीर्थ है, वहां के शिव भक्त नागर कम्युनिटी काशी में भी बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ह्यूएन संग आए थे, चाइनीज फिलोसोफर, वो मेरे गांव में बहुत समय तक रहे थे, और ह्यूएन संग ने लिखा है कि उस समय बुद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा हॉस्टल वडनगर में था, और बुद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा वो सेंटर था। लोग मानते थे कि बुद्ध सिर्फ ईस्ट में थे, लेकिन मेरा गांव कहता है कि बुद्ध वेस्ट में भी थे। तो मेरा बुद्ध से वो लगाव जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ौदा मेरा कार्यक्षेत्र रहा। अगर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ न होते तो हमें बाबा साहब आम्बेडकर न मिलते। बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा दीक्षा का काम सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था, विदेश भेजा, उनकी पढ़ाई की चिंता की। उस भूमि में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला, और आज जहां पर भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था, वो वाराणसी सारनाथ की धरती, यही भोले बाबा की धरती, यही संकट मोचन की सारी शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है, और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। और मैं कह सकता हूँ, जैसे महात्मा गांधी साबरमती तट के साथ जुड़ गए और साबरमती के संत की पहचान हुई, उस साबरमती को ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला था। और आज भी अगर आप इंटरनेट पे साबरमती फ्रंट को, उस पूरे को देखोगे, तो आपको अचरज होगा कि कैसा काम किया जा सकता है। ईश्वर मुझे दे शक्ति, माँ गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ करके सारे विश्व में मेरी माँ गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा, ब्रांडिंग करना होगा, और आज दुनिया में एक बहुत बड़ा होलिस्टिक हेल्थ केयर का अप्रोच चला है, और इसलिए इस प्रकार के कपड़ों की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है। लेकिन हमने ग्लोबल मार्केटिंग नहीं किया। अगर ये हम करते हैं, मैं समझता हूँ, मैं एक छोटा उदाहरण दूँ, मेरे गुजरात में पतंग के व्यवसाय में गरीब मुसलमान है, मैंने उसका रिसर्च किया कि भाई ये कोई पतंग पे कौन ध्यान देगा, कोई राज्य सरकार तो सोचेगी नहीं पतंग के लिए। मैंने उसका रिसर्च किया कि पतंग के व्यवसाय में ये गरीब गरीब लोग लगे हैं, क्या उसको कुछ स्टडी किया जा सकता है। मैंने स्टडी किया तो पतंग पूरा बनने में 34 प्लेसेस पे ट्रैवल करता था, तब बनता था। तीन कलर का पतंग बनाना है
तो तीन कलर के कागज लाते थे, भीतर चिपकाते थे। मैंने प्रिंटरों से मिलवा दिया, मैंने पतंग पर एडवर्टाइजिंग का पूरा मिशन शुरू किया। जो पतंग का बिजनेस मेरे गुजरात में 2002-03 में 35 करोड़ का था, आज वो 700 करोड़ का है। और सारे गरीब मुसलमान भाई बहन झोपड़ी में बैठ करके पतंग बनाते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ के बुनकरों की जिंदगी यहाँ की, और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट भेज अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बनारस जाऊंगा तो वहाँ के मुसलमानों से मुझे रूबरू होगा, तो प्यार होगा, कैसे रूबरू? अब थोड़ा आप तलाश कीजिए। थैंक यू।